हेलो गाइस, सबसे पहले थैंक यू ऑल। आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन, यानी कि हीट एंड वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क ट्रांसफर क्या होता है, वर्क ट्रांसफर की जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। वर्क ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल का मतलब होता है एंटायर, इफ द एंटायर इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड बाय रेजिंग ऑफ वेट्स। फिर ब्रैकेट में लिखा है वेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड बट इफेक्ट इज रेजिंग ऑफ वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो वर्क ट्रांसफर क्या होता है, वर्क ट्रांसफर किसी सिस्टम के द्वारा कब होता है, जब पूरे के पूरा इफेक्ट सिस्टम के बाहर की चीजों पे इफेक्ट कैसे हो कि आपने वेट को रेज किया है, वेट को उठाया है, एक्चुअल में चाहे वेट ना उठाया हो, ठीक है। एक्चुअल में चाहे वेट उठाया हो या ना उठाया हो, लेकिन इफेक्ट वही है। देखो अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लो, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी इक्वेटेड बाय रेजिंग ऑफ वेट्स, ठीक है। वेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रेज्ड, एक्चुअल में वेट्स हमारे उठाए ना गए हो, ठीक है, बट इफेक्ट वही है। इसका मतलब देखते हैं पहले, तो देखो सपोज करो हमारे पास एक है बैटरी है, बैटरी को कनेक्ट कर रखा है हमने किससे, एक मोटर से। सपोज करो ये आपकी है मोटर है, ठीक है, और यहां पर आपका लगा है फैन, और हम जो एज्यूम कर रहे हैं हमारा सिस्टम है। सपोज करो ये वाला हमारा है सिस्टम, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे वर्क इज डन, कैसे, यहां तो कोई वेट नहीं उठ रहा है, कुछ भी नहीं। सपोज करो ये फैन रन हो रहा है, लेकिन वेट तो उठाया ही नहीं है, इक्वेट कैसे करेंगे। देखो इक्वेट करने का तरीका क्या है, सिंपली अगर हम इसको दोबारा से बना लेते हैं, सपोज करो बी फॉर बैटरी है, ये हमारी एम फॉर मोटर है, ठीक है। इस फैन की जगह एक, अगर यहां पर एक वायर इससे लटकी हुई है इस टाइप से, और यहां पर वेट है, ठीक है। जैसे ही ये बैटरी आपकी सप्लाई देगी मोटर को, मोटर रन करेगी, वायर इस पे वाइंड हो जाएगी, मतलब वेट क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। और हमारा सिस्टम कितना है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। तो हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, वेट उठा रहा है, तो क्या कहेंगे यहां पे, मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकली हमारा वर्क हुआ है, ठीक है। फिर से देख लो, बैटरी है मोटर के साथ कनेक्ट है, फैन रन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वर्क हमारा हो रहा है। इसको इससे इक्वेट कर देते हैं, सपोज करो इस फैन को हटा के हम यहां पे एक वायर इसके ऊपर वाउंड कर देते हैं, नीचे वेट लटका देते हैं, तो क्या होगा, ये वेट को उठाएगा, जैसे ही बैटरी यहां पे पावर देगी, मोटर रन करेगी, मोटर में वायर वाउंड हो जाएगी और वेट आपका ऊपर उठेगा। तो वेट ऊपर उठ रहा है, वेट को उठा रहे हैं, यही हमारी डेफिनेशन है कि ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम क्या कर रहा है, वेट को उठा रहा है। इसको हमने किसके साथ इक्वेट कर दिया, इसके साथ। एक्चुअल में यहां पे वेट नहीं उठ रहा है, वेट कहां उठ रहा है, यहां पे। तो हम सपोज कर सकते हैं कि ये चीज क्या कर सकती है, वेट उठा सकती है, ठीक है। तो यहां पर वेट उठ रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, तो मैकेनिकल वर्क डन। अब सपोज करो इसी में क्या करते हैं,
अगर हमारा सिस्टम सिस्टम मान लो आपने ये मान रखा है, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम से बाहर क्या जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क तो हो रहा है नो डाउट, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस बैटरी की वजह से ही तो मोटर चल रही है, अगर ये बैटरी नहीं होती तो ये मोटर नहीं चलती, तो यहां पर वर्क एक्चुअल में कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ठीक है, इलेक्ट्रिकली बैटरी हमारी काम कर रही है, बैटरी किसको रन कर रही है, मोटर को, और मोटर किसको रन कर रही है, फैन को, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क डन। अब अगर इसके अंदर ये हमारा है, तो देखो अगर हम सिस्टम इसको मान ले, सिस्टम इसको मान ले, ठीक है, सिस्टम इसको मान ले, तो सिस्टम के बाहर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम के बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, डेफिनेशन में क्या लिखा था, इफ इट्स एंटायर इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के बाहर, सिस्टम के बाहर इसका कोई इफेक्ट है, नहीं है, सब कुछ सिस्टम के अंदर ही है, तो यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा, नो वर्क डन, यानी कि जब तक सिस्टम से बाहर वर्क नहीं होगा तब तक हम उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, वर्क डन जो है हमारी क्या है, बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है, वर्क डन क्या है, बाउंड्री फिनोमिना, जब तक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा वर्क तब तक उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। अब देखो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, सिस्टम ने तो कुछ काम नहीं किया बाहर, यहां पर देखो यहां पर ये सिस्टम है, सिस्टम ने बाहर काम किया है, ठीक है, तो यहां पर वर्क डन हो रहा है, लेकिन यहां पर सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं है तो वर्क डन जीरो है, ठीक है, तो यहां पर एक एक नोट आता है, नोट क्या आता है, वर्क डन क्या है हमारी, बाउंड्री फिनोमिना, तो एक नोट है हमारा, जब तक वर्क बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई वर्क नहीं होगा, वर्क डन इज ए बाउंड्री फिनोमिना, वर्क डन हमारी क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, सबसे एक एक चीज हमें पता चली कि वर्क डन हमारी क्या है, बाउंड्री फिनोमिना। अब वर्क डन की डिटेल में जाने से पहले साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं कि वर्क के साइन कन्वेंशन क्या होंगे। कन्वेंशन ऑफ वर्क डन, इसमें क्या है, अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होता है तो पॉजिटिव, और सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो नेगेटिव। सपोज करो ये हमारा सिलेंडर पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको प्रेस करते हो ऊपर से प्रेस किया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, सिस्टम सपोज करो हमारा ये वाला है, यहां पर हमने इसको मान रखा है हमारा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव है, और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर इसी में देखें, सपोज करो यही हमारा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ इसके अंदर जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, इसके अंदर जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है और पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेल रही है, सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, अब सिस्टम इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ये जो सिस्टम है सिस्टम ऊपर की तरफ धकेल रहा है,
तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। अब कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करेगा तो उसको क्या कर लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, हमने सिस्टम को कंप्रेस किया था, तो यहां पर वर्क डन हमारा हुआ नेगेटिव। और जब सिस्टम ने ऊपर, सिस्टम एक्सपेंड हुआ, सिस्टम ने पिस्टन को ऊपर धकेला, वर्क किसने किया? सिस्टम ने, तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो कंफ्यूजन हो जाता है, इसको सिंपल सिंपल तरीका है इसको समझने का कि हमारा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, है ना। वर्क, वर्क क्या होता है? कम। अब सपोज करो मैं हूं और आप हो, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, हमारे बीच में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई होने के बाद क्या होगा? थप्पड़ वप्पड़ चलेंगे, है ना, थप्पड़ भी चलेंगे, लड़ाई होगी तो थप्पड़ लात घूसे चलेंगे, है ना। तो क्या होगा, सपोज करो मेरी और आपकी लड़ाई हो जाती है और मैंने एक मारा थप्पड़ आपको खींच के, ठीक है, जैसे ही मैंने आपको थप्पड़ मारा, मैं क्या हूं? सपोज करो मैं सिस्टम हूं, मैं सिस्टम हूं और आप क्या हो? सराउंडिंग हो। मैं सिस्टम, आप सराउंडिंग, मैंने थप्पड़ मारा, ठीक है, सिस्टम ने वर्क किया, तो मेरे लिए क्या हो गया? पॉजिटिव। मेरे लिए तो पॉजिटिव फील आएगी ना, मुझे एनर्जी और मिलेगी, हाँ मैंने थप्पड़ मार दिया एक, मुझे खुशी मिलेगी, खुशी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिविटी, ठीक है, मैंने जैसे ही आपको एक थप्पड़ मारा मुझे पॉजिटिविटी आई, तो यानी कि मेरे लिए क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के लिए क्या हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आप तो मेरे से भी तगड़े हो, मैं तो दुबला पतला सा हूं, आप मेरे से भी तगड़े हो, आपने मुझे दो मारे उल्टे, एक इधर एक इधर, तो अब क्या हुआ? काम किसके ऊपर हुआ? सिस्टम के ऊपर। मैं क्या हूं? सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ तो अब क्या हुआ? मुझे गुस्सा आएगा। गुस्सा क्या है? नेगेटिविटी। गुस्सा क्या है? नेगेटिविटी। तो मुझे गुस्सा आएगा, मेरे अंदर क्या ही? नेगेटिविटी, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, सिंपल तरीका है, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब मैंने काम किया तो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव, और जब मेरे ऊपर वर्क हुआ तो क्या हुआ? गुस्सा, नेगेटिव, नेगेटिविटी। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव फॉर सिस्टम। ऐसे ही सराउंडिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो सिस्टम के लिए ही देख रहे हैं। सिस्टम, जब मैंने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव हुआ और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। सपोज करो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारे पास, सिलेंडर है, इसके अंदर हमारा है ये पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, कुछ भी है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो पी प्रेशर है, ठीक है, पी प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर की वजह से पिस्टन आपका थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो जाता है। सपोज करो ये मैंने दोबारा से बनाया इसको, और जो हमारा पिस्टन था वो यहां चला गया। आप ठीक है, पिस्टन हमारा कहां डिस्प्लेस हो गया? थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, पहले जो पिस्टन था वो यहां था। सपोज करो ये इतना डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो गया है, और जो इसका एरिया है, यहां का एरिया है, वो है आपका ए, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर क्या है? अभी भी पी ही है, पी प्रेशर है। तो देखो सिंपल वर्क, वर्क की डेफिनेशन आपने देखी होगी। सपोज करो हम ले लेते हैं स्मॉल वर्क,
ये डैश क्यों लगाया ये मैं आपको वादे बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा मतलब है, ठीक है। डी लिख के इसके ऊपर हम ये डैश लगाएंगे। डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन, पिस्टन को यहां से यहां पुश करने के लिए, डीएक्स डिस्टेंस मूव करने के लिए स्मॉल डिस्टेंस क्या होगा, एफ इंटू डीएक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस जो पिस्टन ने मूव किया है दैट इज वर्क, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है, यहां पे फोर्स क्या लग रहा है इस जगह पे, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह लिख देंगे हम प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। अब एरिया इंटू डीएक्स, इसको स्मॉल वॉल्यूम लिख सकते हैं, ये वाला वॉल्यूम जो हमारा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, डीवी एरिया इंटू डीएक्स। तो ए इंटू डीएक्स को क्या लिख देंगे हम, स्मॉल वॉल्यूम डीवी, इसको डीवी लिखेंगे, ठीक है। तो यही जो हमारा हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये है हमारा क्लोज सिस्टम वर्क और नॉन फ्लो वर्क। अब टोटल वर्क जो होता है, ये तो स्मॉल वर्क था, ये क्या था हमारा, स्मॉल वर्क था। तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, पीडीवी का इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। पीडीवी का इंटीग्रेशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा टोटल, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। सपोज करो ये तो हमारे स्मॉल डिस्टेंस के लिए लिया है, पिस्टन काफी आगे चला जाता है, तो टोटल वर्क क्या निकालेंगे, स्मॉल डिस्टेंस का जो भी वर्क है वो सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और स्मॉल वर्क क्या हुआ, पीडीवी। अब देखो, अब सपोज करो इसको हम शो कर रहे हैं पीवी एक्सिस पे, प्रेशर एक्स यहां पे, और ये वॉल्यूम एक्सिस है, यहां पर प्रेशर है और यहां पर वॉल्यूम है, इस टाइप से कर्व है, ठीक है। हमें एक स्मॉल 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 एलिमेंट लेना है, स्मॉल एलिमेंट सच दैट, इतना स्मॉल लेना है कि प्रेशर नियर, देखो प्रेशर चेंज हो रहा है ना, यहां पर कुछ और प्रेशर है, यहां पर कुछ और है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है। हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना है जहां पर, इस एलिमेंट में सपोज करो हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पी प्रेशर है, और जो ये वॉल्यूम है, डिफरेंस इन वॉल्यूम बहुत स्मॉल है, तो इसको डीवी लिख लो, ठीक है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है, इसको लिख लो डीवी। तो हम इस जो ये स्ट्रिप ली है, हमने ये एलिमेंट लिया है छोटा सा, इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑन कर्व सो दैट प्रेशर इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। बिल्कुल इस कर्व को आप बड़ा करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम इन, तो छोटा सा एलिमेंट बिल्कुल आएगा जहां पे आपका प्रेशर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो सपोज करो इस एरिया पे हमारा ये, इस जगह पे, इस एलिमेंट पे क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, और इसकी विड्थ क्या है, डीवी। तो इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया एरिया क्या होगा, ये विड्थ इंटू हाइट, ये रेक्टेंगल बन गया ना, एरिया क्या हुआ, प्रेश पी इंटू डीवी, ये हाइट कितनी हुई पी, यहां से यहां तक क्या है आपकी पी, और ये क्या है डीवी, पी इंटू डीवी, और ये क्या था, बट पी डीवी इज इक्वल टू वर्क, पी डीवी क्या था, वर्क था, वर्क क्या था, ये वाला स्मॉल एलिमेंट डीवी। इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक,
इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज इक्वल टू एरिया। हमने क्या निकाला था, एरिया निकाला था ये वाला एरिया। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहां से लेके और यहां तक, सपोज करो ये कर्व यहां तक ही है, यहां तक का पूरे का एरिया ठीक है। ये जो एरिया आया आपका, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या दे रहा है आपका, वर्क डन। सिंपल सी बात है, ये एरिया क्या दे रहा है, यहां से लेके यहां तक इस कर्व के अंडर जो एरिया है आपका वो क्या दे रहा है, वर्क डन ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, इस कर्व का एरिया हमने कहां पे प्रोजेक्ट किया है, वॉल्यूम एक्सिस पे। अगर प्रेशर एक्सिस पे करते तो आपको ये वाला एरिया मिलता, तो ये नहीं लेना है आपको ठीक है, ये वाला एरिया नहीं लेना है। कौन सा लेना है, वॉल्यूम एक्सिस पे। तो क्या लिखना है, एरिया अंडर द कर्व, लिख लेते हैं यहां पे, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम। पीवी का मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, गिव्स कौन सा वर्क, क्लोज्ड सिस्टम गिव्स क्लोज्ड सिस्टम और नॉन फ्लो वर्क। कौन सा वर्क देता है, क्लोज सिस्टम या फिर नॉन फ्लो वर्क देता है ठीक है। चलो अब एक चीज और आती है, एक चीज और हम फटाफट स्टडी कर लेते हैं। अब अगर आपको ये पता लग गया कि एरिया आपका वर्क डन देगा, तो सपोज करो ये पीवी डायग्राम हमने फिर से बना लिया। अब एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, एक सपोज करो पाथ ये है, यहां से यहां पे आया 1 to 2, और दूसरा पाथ सपोज करो यहां से यहां है 1 to 2। ये ए पॉइंट से होते हुए ये बी पॉइंट से होते हुए ठीक है। अब ये 1 to 2 जो यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक, अब इसके लिए अगर वर्क निकालोगे तो ये वाला वर्क डन आएगा। वर्क डन कौन सा आएगा, ये वाला एरिया। लेकिन अगर इस पॉइंट से होते हुए अगर आप जा रहे हो तो वर्क डन कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। क्या दोनों एरिया इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एरिया इक्वल है, नहीं है। अगर ए पॉइंट से जा रहा है तब एरिया हमारा कम है, और बी पॉइंट से अगर जा रहा है तो एरिया हमारा ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू वन ए टू, वन से टू जा रहा है वाया ए, वन ए टू इज नॉट इक्वल टू डब्ल्यू वन बी टू, जो बी से होते हुए जा रहा है उस वर्क के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों वर्क इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन जो है इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ये पाथ रास्ता यहां से जाएगा तो अलग वर्क होगा, इसके बीच में से कहीं से जाएगा अलग वर्क होगा, यहां से जाएगा अलग वर्क होगा, और अगर दूसरे पाथ से गया तो अलग वर्क होगा। यानी कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ठीक है। तो सो हम लिख सकते हैं, सो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ,
वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे. वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, सो इट इज ए पाथ फंक्शन एंड नॉट ए प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो होती है वो पॉइंट पे डिपेंड करती है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे. हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे? प्रॉपर्टी जो है सिंपली इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. किसी भी पाथ से आया वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी. तो ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं है. लेकिन वर्क जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वर्क हमारा क्या है? पाथ फंक्शन है. तो वर्क हमारी एक प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी बिकॉज प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन. क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है हमारी क्या होती है? पॉइंट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती, ठीक है. तो चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं. चलो फिर से देखो, दो चार लाइनें और लिख लेते हैं. दो फोर पाथ्स ए एंड बी, ए एंड बी के लिए एंड पॉइंट्स आर सेम. इसका मतलब यह है कि पाथ ए एंड बी के लिए एंड पॉइंट्स जो है हमारे सेम है, बट वर्क ट्रांसफर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ्स. बट हमारा जो वर्क ट्रांसफर है वो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग है, ठीक है. क्यों है? बिकॉज एरिया अंडर द बोथ कर्व इज नॉट सेम. क्योंकि हमारे दोनों कर्व के अंडर का एरिया जो है वो सेम नहीं है. आर लिख लेते, सॉरी, एरिया अंडर द कर्व्स आर नॉट सेम, ठीक है. एंड हेंस वर्क ट्रांसफर इज ए एंड हेंस वर्क ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन. इसलिए हमारा वर्क ट्रांसफर क्या है? पाथ फंक्शन है. इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी एंड हेंस एंड सो इट इज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है. क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के वर्क के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं है. इस पाथ से जाएंगे अलग, दूसरे पाथ से जाएंगे अलग, दूसरे पाथ से जाएंगे और भी अलग. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है. तो हमारा वर्क डन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो हम इसको डी डब्ल्यू नहीं लिख सकते. तो हम क्या लिखेंगे इसको? या तो डेल डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी, या फिर ऐसे लिखेंगे डेल डब्ल्यू. अब मतलब आया डैश लगाने का, ठीक है. डैश क्यों लगा रहे थे? अब समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है. इसको इस टाइप से लिखेंगे या फिर इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है. यही है, इसीलिए हम इसको डेल डब्ल्यू ही लिखेंगे, ठीक है.
एग्जैक्ट अगर होता, जैसे प्रॉपर्टीज के लिए एग्जैक्ट होता है, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं, डीटी, ठीक है, बट वर्क के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला या ये वाला, ये वाला, मैं यहां पे ये वाला लिखूंगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना हमेशा, ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे भी डिपेंड कर रहा है। पाथ अगर अलग होगा तो वर्क हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने कमेंट्स जरूर देना। आपके कमेंट्स जो मिलते हैं उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि हाँ मुझे मेरा लेक्चर बच्चों को पसंद आ रहा है, उससे एनर्जी मिलती है और भी एकदम से लेक्चर बनाने का मन करता है। मैं डिफिकल्ट टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ, ठीक है। वो जो एनर्जी मिलती है मुझे, उसी से मैं एक लेक्चर बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।